हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मेरे चैनल व्यू मिक्स वीलॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना आधार कार्ड को जो है प्लास्टिक कार्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं पीवीसी आधार कार्ड, ठीक है। इसको कैसे ऑर्डर करना है, कहाँ से ऑर्डर करना है, किस तरह ऑर्डर करना है, कितना चार्ज होता है, इन सब की जानकारी मैं बताऊँगा। ये सब बताने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पीवीसी आधार कार्ड एक जो है, जैसे कि होता नहीं है वोटर कार्ड जैसा, वोटर कार्ड भी हो गया और आईटीएम कार्ड जैसे होंगे, ड्राइवर लाइसेंस, इसी के साइज का जो है पीवीसी आधार कार्ड भी होता है, जो आप अपने सुविधा इच्छा अनुसार अपने बटुए में रख सकते हैं। और ये ज़्यादा मतलब कि प्रोटेक्शन भी है और इसे ये जल्दी से ख़राब होने वाला भी नहीं है। इसमें ऐसे फीचर भी हैं इसके, कुछ हाइड हिडन फीचर होंगे तो इसकी वीडियो में कभी और बताऊंगा, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कि अपना आधार कार्ड, पीवीसी आधार कार्ड कैसे ऑर्डर करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चलना होगा गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने पर यहाँ पर लिखना होगा हमको UIDAI, ठीक है। इस पर करके आपको क्या है सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको ये जो फर्स्ट लाइट दिख रही है ना, इस पर जो है क्लिक कर देना होगा, UIDAI पे इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है दोस्तों। इस पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है लोकेट ऑन एनरोलमेंट सेंटर, बैंक ऑन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार, रिलेटिव लॉस्ट ऑफ फॉरगेटन EID, UID, ऑर्डर आधार PVC कार्ड, चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस। चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे कि मैंने आपका कार्ड ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद आप उसका स्टेटस जान सकते हैं कि आपका आधार कार्ड प्रिंट हुआ है, डिस्पेच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हमको क्लिक करना होगा ऑर्डर आधार PVC कार्ड पर। इस पर जाने के बाद आपको देखिए लिखा रहा है आधार नंबर, तो आपको यहाँ पर वो आधार नंबर दर्ज करना होगा, या अपना करें या किस फैमिली या दोस्तों का। तो ठीक है, मैं आधार नंबर डालता हूँ। ठीक है, मैं डालने के बाद सीधा अब नीचे कैप्चा कह रहा है, कैप्चा फिल करता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद ये देखिए कह रहा है माय नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका आधार, समझिए, अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तब तो आप इस पर टिक मत करिए, ठीक है, डायरेक्ट OTP भेज दीजिए। अगर आपका आधार नहीं लिंक है, आप किसी कोई और नंबर जोड़ना चाहते हैं कि मेरा आधार पे इस पर दूसरा कोई नंबर जुड़े, मतलब जुड़ेगा नहीं, लिंक नहीं होगा, सिर्फ PVC के लिए यूज होगा बस, OTP के लिए। तो OTP के लिए अगर आप दूसरा नंबर भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लिंक आधार नंबर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। लिंक मोबाइल नंबर से कोई मतलब नहीं है, आप इसमें और कोई भी नंबर दे सकते हैं। अगर कोई और नंबर देना चाहते हैं जो आधार से लिंक करना हो, तो आप इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जब क्लिक कर देंगे तो वो नंबर डालना होगा। तो मेरा आधार से लिंक है तो मैं नहीं डालूँगा, तो मैं सीधा OTP भेज दे रहा हूँ। OTP भेजने के बाद दोस्तों OTP गया है मेरे, देखिए लिखा OTP सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो अभी कुछ आने वाला होगा, देखिए दोस्तों आ गया। इस पे जो है टर्म एंड कंडीशन पे जो हमको क्लिक करना होगा, क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए मेरा आधार यहाँ पर लिंक था, इसलिए मेरा आधार यहाँ पर आ गया, नाम भी आ गई। अगर मैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं डालता आधार से तो क्या होता है, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आती, लेकिन मेरा आधार से लिंक है इसलिए मेरी डिटेल यहाँ पर सब शो कर रही है। ये देखिए आपका जो आधार कार्ड बन के आएगा कुछ इस फॉर्मेट में होगा, इस तरह का आधार कार्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इसका बारकोड ये रहा, यहाँ आपकी फ़ोटो लगी रहेगी, यहाँ आपके नंबर रहेंगे और यहाँ आपका पीछे नीचे वाले आधार में बैक साइड का फ़ोटो है, यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है दोस्तों। फॉर्मेट बहुत लुकेट है और अच्छा भी है। यहाँ पर आपको इस यही वाला आधार कार्ड को आपको पेमेंट करना होगा, पेमेंट करिए। आप इसका पेमेंट
ये पेमेंट साइट पर जा रहा है। पेमेंट साइट आपको पेमेंट इसकी जो लगेगी वो ओनली 50 रुपये हैं। 50 इसका पेमेंट आप किसी भी माध्यम से UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं। एक्चुअली में हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करते हैं। आपको यहाँ पर अपना कार्ड नंबर डालना होगा, यहाँ एक्सपायरी डेट डालनी होगी, नेम ऑन कार्ड डालना होगा और प्रोसीड पे क्लिक कर दें। OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपका कार्ड ऑर्डर हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका आधार जो है ऑर्डर में चला गया। अब 24 घंटे बाद आप वहाँ से स्टेटस भी देख सकते हैं। स्टेटस अगर आपको नहीं देखना आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी ही वीडियो बना दूँगा। और हाँ दोस्तों, ये मेरा ये भी कहना है, कोई भी जी वीडियो, किसी भी चीज़ की वीडियो आपको लगे कि मेरे को ये नहीं आ रहा, तो आप मेरी वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, इसकी वीडियो बना के मुझे समझा दीजिए, तो मैं उसकी वीडियो आप बना के आपको पेश करूँगा। और ये आपको वीडियो तभी दिख पाएगी दोस्तों जब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जाते जाते, ठीक है, आगे और भी वीडियो आती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू, टाटा।